हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में ओवर द नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये कंप्यूटर्स हैं और इन कंप्यूटर्स में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है। तो इन पीसीज में डीवीडी ड्राइव्स नहीं है, मीन्स मैं विंडोज़ 10 की डीवीडीज यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक सिंगल पेनड्राइव है जिसको मैंने ऑलरेडी बूटेबल क्रिएट किया हुआ है विंडोज़ 10 के लिए। तो अगर मैं सिंगल पेन ड्राइव को यूज़ करता हूँ इन कंप्यूटर्स में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए, तो मुझे वन बाय वन पेन ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ेगा एवरी कंप्यूटर्स में और विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि टाइम कंज्यूम होगा। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पेन ड्राइव्स परचेज कर लूँ और उन सभी पेन ड्राइव्स को हम बूटेबल क्रिएट करें और सभी पेन ड्राइव्स को एक साथ इन कंप्यूटर्स में कनेक्ट करें और विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करें। लेकिन इससे क्या होगा कि मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन है जो मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और उस यूटिलिटी से हम पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट करेंगे विंडोज़ 10 के लिए और विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे इन कंप्यूटर्स में नेटवर्क बूटिंग से। तो एक सॉफ्टवेयर है AIO Boot, ये एक फ्रीवेयर यूटिलिटी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता है। आप इसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा इस AIO Boot यूटिलिटी से हम पेन ड्राइव को मल्टी बूट USB ड्राइव भी क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंगल पेन ड्राइव में, जैसे विंडोज़, लिनक्स। तो इस AIO Boot सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती है, जैसे ये सभी कंप्यूटर्स सेम नेटवर्क में होने चाहिए, मीन्स एक नेटवर्क स्विच से कनेक्टेड होने चाहिए और नेटवर्क में एक DHCP सर्वर होना चाहिए। नॉर्मली हम नेटवर्क में राउटर्स यूज़ करते हैं तो राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट DHCP सर्वर अनेबल होता है। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस असाइन करता है नेटवर्क डिवाइसेस को। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेज होनी चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर और ISO इमेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए विंडोज़ 10 की ISO इमेज फाइल है, तो इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया था। और ये सॉफ्टवेयर है AIO Boot। तो मैंने कंप्यूटर में पेन ड्राइव कनेक्ट की हुई है, ये 16 GB की पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट, और मैं इसको फाइल सिस्टम NTFS में फॉर्मेट करूँगा, स्टार्ट, ओके। तो ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई है, इसको मैं ओके करता हूँ, क्लोज। तो सबसे पहले मैं इस पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर को कॉपी कर देता हूँ, तो AIO Boot एक्सट्रैक्टर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेन ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं इसको। तो इस फाइल को रन करते हैं, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए इसने ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। ये देखिए एफ ड्राइव है और ये इसका साइज है NTFS फाइल सिस्टम। तो सिंपल हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। तो ये 77% पे आके स्टक हो जाता है, तो वेट करना है। ये एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर की फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है सेम पेन ड्राइव में। तो इस AIO Boot यूटिलिटी और विंडोज़ 10 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए ये यूटिलिटी ओपन हो गई है AIO Boot क्रिएटर और यहाँ पर देखिए फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्सट्रैक्ट हो गई है इस पेन ड्राइव में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस पेन ड्राइव की डिटेल शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये साइज़ है और ये फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट पैक विंडोज़ और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ 7 8.1 10 और सर्वर सेटअप। और यहाँ से हम ISO इमेज को सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ 10 की, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन और ओके। तो यहाँ पर देखिए प्रॉम्प्ट कर रहा है बूट मेन्यू, तो यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं।
तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये विंडोज 10 प्रो है, तो इसको ओके करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब ये पेन ड्राइव विंडोज 10 के लिए बूटेबल क्रिएट हो जाएगी। ये टाइम लगाएगा 10 to 15 मिनट का, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो कंप्यूटर्स हैं ये वर्चुअल मशीन्स हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। तो ये देखिए PC1, PC2 एंड PC3। तो इन तीनों कंप्यूटर्स में विंडोज 10 को इंस्टॉल करेंगे, और इसके बाद मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा एक्चुअल फिजिकल कंप्यूटर में इस पेन ड्राइव की हेल्प से हम विंडोज 10 को इंस्टॉल करेंगे नेटवर्क बूटिंग से। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मल्टी बूट यूएसबी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट करेंगे सिंगल पेन ड्राइव में। और इसके अलावा मैं राउटर भी दिखा देता हूँ जिसमें DHCP सर्वर अनेबल है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ राउटर को। तो यहाँ पर एडवांस्ड नेटवर्क और लैन सेटिंग्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये DHCP सर्वर अनेबल है, ये देखिए, और ये DHCP रेंज है। तो ये 100% कंप्लीट हो गया है, वेट करते हैं। यहाँ पर अभी एक मैसेज शो करेगा हैप्पी बूटिंग। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर देखिए मैसेज शो कर रहा है डन हैप्पी बूटिंग। तो मैं इसको ओके करता हूँ और इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हैं एक बार। तो ये पेन ड्राइव बूटेबल क्रिएट हो गई है विंडोज 10 के लिए। तो अगेन इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए AIO क्रिएटर हमें रन करना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है AIO बूट क्रिएटर, और यहाँ पर रन PXE पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा टीनी PXE सर्वर। और ये इस कंप्यूटर का IP एड्रेस है 192.168.1.2, और ये हमारे राउटर का IP एड्रेस है 1.1। एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, तो इन सेटिंग्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो मेरे पास वर्चुअल मशीन्स हैं, तो सबसे पहले मैं PC1 को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं F12 की प्रेस करूँगा बूट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बूट ऑर्डर शो कर रहा है। तो मैं इस PC को लैन से बूट कराऊँगा, तो लैन से बूट कराने के लिए L प्रेस करेंगे। तो ये लैन से बूट हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको IP एड्रेस असाइन हुआ है DHCP सर्वर से 192.168.1.7, और ये हमारे राउटर का IP एड्रेस है 1.1। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए शो कर रहा है 1.2 IP एड्रेस। इस कंप्यूटर में हमने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 1.2। और यहाँ पर देखिए बॉटम में शो कर रहा है प्लीज़ एंटर TFTP सर्वर। तो सेम हम यहाँ पर 192.168.1.2 IP एड्रेस टाइप करेंगे, एंटर। तो यहाँ पर देखिए बूट मेन्यू शो कर रहा है, और यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे विन PE एंड सेटअप, एंटर। तो यहाँ पर देखिए मेन्यू में विंडोज 10 शो कर रहा है, तो इसको एंटर करते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शो कर रहा है नेटवर्क पाथ, और जिस पेन ड्राइव को हमने बूटेबल क्रिएट किया था हमें उस पेन ड्राइव को शेयर करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ प्रॉपर्टीज। अप्लाई, ओके, और ये है हमारा नेटवर्क पाथ। तो यहाँ पर टाइप करते हैं नेटवर्क पाथ, ओके। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर का यूज़र नेम टाइप करना है, तो कंप्यूटर का यूज़र नेम रक्षित है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए रक्षित से मैंने लॉगिन किया हुआ इस कंप्यूटर में, एंटर, और इस यूज़र का पासवर्ड। तो आप ये देख सकते हैं विंडोज़ 10 की इमेज से बूट हो गया है और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉल नाउ। तो यहाँ पर आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर विंडोज़ 10 प्रो को सेलेक्ट कर लेते हैं 64 बिट। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट, कस्टम, ये देखिए। तो नेक्स्ट करके हम इस विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सेम सेकंड मशीन को भी बूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और सेम F12 की प्रेस करेंगे बूट ऑर्डर के लिए और लैन से बूट कराएंगे, L प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वर्चुअल मशीन को 1.8 आईपी एड्रेस मिल गया है DHCP सर्वर से और सेम ये राउटर का आईपी एड्रेस है 1.1 और 1.2 जिसमें हमने पेनड्राइव को कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर TFTP सर्वर का आईपी एड्रेस टाइप करेंगे 192.168.1.2, एंटर, और सेम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे विन पी एंड सेटअप और ये बूट मेन्यू विंडोज 10। और सेम यहाँ पर नेटवर्क पाथ टाइप करेंगे मींस शेयरिंग पाथ। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेम और शेयरिंग नेम मींस F, ओके, और यहाँ पर सेम यूज़र नेम, पासवर्ड, एंटर। तो यहाँ पर देखिए सेम विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन विजार्ड और थर्ड मशीन को भी बूट करा लेते हैं। स्टार्ट, F12 की प्रेस करेंगे बूट ऑर्डर के लिए और उसके बाद L। और यहाँ पर देखिए इस वर्चुअल मशीन को 1.9 आईपी एड्रेस असाइन हुआ है DHCP सर्वर से। तो सेम यहाँ पर TFTP सर्वर का आईपी एड्रेस टाइप करते हैं 1.2, एंटर, विन पी एंड सेटअप, एंटर, विंडोज 10, एंटर। तो सेम यहाँ पर शेयरिंग पाथ और यूज़र नेम, पासवर्ड, एंटर। तो यहाँ पर भी देखिए सेम इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट हो गया विंडोज़ 10 के लिए। तो इन तीनों वर्चुअल मशीन्स में हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली सिंगल पेनड्राइव से ओवर द नेटवर्क। तो मेरे पास एक फिजिकल मशीन है तो उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये कंप्यूटर है और इसको मैंने लैन केबल से कनेक्ट किया हुआ है। तो सेम मैं यहाँ पर F12 की प्रेस करूँगा बूट मेन्यू के लिए और यहाँ पर देखिए बूट मेन्यू शो कर रहा है। तो मैं इसको रियल टेक से बूट कराऊँगा, ये इस कंप्यूटर का लैन कार्ड है। वेट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये बूट मेन्यू शो कर रहा है और ये लैन से बूट हो गया है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा विन पी एंड सेटअप और यहाँ पर सेम विंडोज़ 10 प्रो। तो यहाँ पर सेम नेटवर्क पाथ टाइप करना है, एंटर, और यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़र नेम, एंटर, और पासवर्ड। तो आप ये देख सकते हैं विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन विजार्ड ये स्टार्ट हो गया है और विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस बूटेबल पेनड्राइव को डायरेक्ट कंप्यूटर के USB पोर्ट पे कनेक्ट करके भी बूट करा सकते हैं और विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इस बूटेबल पेनड्राइव को इस कंप्यूटर के USB पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है। तो सेम मैं यहाँ पर F12 की प्रेस करूँगा बूट मेन्यू के लिए
और यहाँ पर लैंड कार्ड से बूट नहीं कराएंगे, मीन्स रियल टेक से। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा पेनड्राइव, सैंडिस्क। तो आप ये देख सकते हैं ये बूट हो गया है, और यहाँ पर ये शो कर रहा है विन पी एन सेटअप, तो इसको एंटर करते हैं। और यहाँ पर देखिए सेम विंडोज 10 प्रो शो कर रहा है, तो इसको एंटर करते हैं। तो आप ही देख सकते हैं सेम विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन विजार्ड। और लास्ट में इस पेनड्राइव को मल्टी बूट भी क्रिएट कर सकते हैं, मींस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंगल पेनड्राइव में। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो चलिए इस पेनड्राइव को मल्टी बूट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस टीनी पीएक्सी सर्वर को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से सेम इंटीग्रेशन में जाएंगे और सेलेक्ट पैक विंडोज़, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे विंडोज 7, 8.1, 10 एंड सर्वर सेटअप। और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें मैं विंडोज 7 सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे पास ये विंडोज 7 की आईएसओ इमेज है जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बूट मेन्यू नेम, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ विंडोज 7 प्रो सर्विस पैक 1 64 बिट। ओके, तो वेट करते हैं। और अब ये पेनड्राइव मल्टी बूट क्रिएट हो जाएगी, मींस इस पेनड्राइव से विंडोज 10, विंडोज 7 भी इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। तो चलिए इस मल्टी बूट पेनड्राइव को चेक कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर मेन, और इसमें आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जब हम नेटवर्क बूट करते हैं तो हमें नेटवर्क पाथ और यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। तो नेटवर्क पाथ और यूज़र नेम पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर AIO फोल्डर है, इसमें एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट फाइल होगी नेटवर्क पाथ, तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंटैक्स दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट में हमें टाइप करना होगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट में टाइप करता हूँ और इसके बाद योर अकाउंट और पासवर्ड। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ और सेव। तो इस यूटिलिटी को क्लोज करते हैं और अगेन ओपन करते हैं रन पीएक्सी। तो इसको मैं अब वर्चुअल मशीन में चेक करूँगा। तो PC1 को स्टार्ट करते हैं और सेम F12 की प्रेस करूँगा और L प्रेस करेंगे लैन कार्ड से बूट कराने के लिए। तो यहाँ पर सेम TFTP सर्वर एंटर, WinPN सेटअप एंटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 7 भी शो कर रहा है, तो विंडोज 7 प्रो सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो अब ये नेटवर्क पाथ के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हैं विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट हो गया है और इसने नेटवर्क पाथ के लिए प्रॉम्प्ट नहीं किया है। तो आपने देखा किस तरीके से इस AIO बूट क्रिएटर यूटिलिटी को यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में नेटवर्क बूटिंग से, और इस यूटिलिटी से हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन्स मल्टी बूट USB ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।